हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती शाक्यवार आप सबका स्वागत करती हूँ द इनसाइड हाउस पर। आज मैं आप लोगों के लिए कुलकुल की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये गोवा की फेमस रेसिपी है और इसे खास तौर से क्रिसमस पे बनाया जाता है। चलिए फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुलकुल बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये मैदा लिया है मैंने, ये एक कटोरी मैदा लिया है और चौथाई कटोरी मैंने सूजी ली है। फ्रेंड्स, चौथाई कटोरी मैंने शुगर ले लिया है, इसको मैंने पीस लिया था चीनी को, और थोड़ा सा मैंने दूध लिया है आटा गूंदने के लिए, और चौथाई कटोरी ही मैंने देसी घी लिया है। फ्रेंड्स, इसको मेल्ट कर लिया है मैंने। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे सूजी, सूजी में डालेंगे हम देसी घी। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों को हम मिला लेंगे। इसके अलावा अभी हमें कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, और चम्मच से अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम इसे, सूजी को और घी को। यह हमारा मिलके रेडी हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए काफ़ी जम गया और फूल भी गई है हमारी सूजी, ये देखिए। अब इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे जो कि हमने एक बाउल निकाल के रखा हुआ है, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। इस चम्मच के जो है इसको पोंछ लेते क्योंकि हमें इसे अब हाथ से मिलाना पड़ेगा, तभी ये ठीक से मिलेगा फ्रेंड्स। और चारों तरफ से अच्छे से मिलाएंगे इसको, जितने भी इतने घुटले वगैरह है सबको अच्छे से मिला देंगे ताकि कोई भी घुटला ना रहे। और ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया अच्छे से। इसको भी बांधने पे ना, जैसे मुट्ठी बांधते तो बंध रहा है आराम से। ये हमारा इतना रेडी हो गया है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे शुगर, हमने पीस के रखी हुई है उसको डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स हाथों से ही। ये सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से मिल गई हैं फ्रेंड्स। अब हम इसका डो रेडी करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये दूध लिया था, उससे हमें डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे धीरे धीरे करके, ये देखिए, और इसका अच्छा सा डो रेडी करेंगे। ज़्यादा पतला डो नहीं रेडी करना है और ना ही ज़्यादा हार्ड करना है। इसमें शुगर भी है तो सॉफ्ट डो ही अपने आप ही रेडी होगा फ्रेंड्स। और थोड़ा थोड़ा ही दूध डालना है इसमें, एकदम से डाल दोगे तो ये पतला हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका डो रेडी करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देखिए हमारा ये डो रेडी हो गया है फ्रेंड्स। इसे भी हम 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, 10 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने एक बॉल के बराबर का लोई तोड़ेंगे और इसे लंबा लंबा कर लेंगे। इससे छोटी छोटी सी बॉल तोड़ लेंगे हम, ये देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ अभी तोड़ कर। ये देखिए इतनी छोटी छोटी हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। बस अब ये हम इतने ही तोड़ेंगे। और ये देखिए एक कॉम्ब लेंगे, ये मैंने एकदम न्यू कॉम्ब लिया है, और इसको हम जो लोई तोड़ी है इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे थोड़ा सा हल्के हाथ से ही, ज़्यादा दबाना भी नहीं हो, फिर इसे हम फोल्ड कर देंगे, ये देखिए। और इसे हम मोटी तरफ से ही बनाएंगे, जिसे बारीक तरफ से नहीं बनाएंगे कॉम्ब में। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा एक कुलकुल रेडी हुआ है। अभी हमें इन्हें तलना भी है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये देखिए हल्के हाथ से बिल्कुल इसको प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से दबाओगे तो फिर इसके अंदर घुस जाएगा तो ये निकलेगा नहीं। और ये देखिए मैंने ये इतने सारे रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स, देखो कितना प्यारा सा बना है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और तलने के बाद भी इतने ही अच्छे लगते हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि होठों से टूट जाएँ ऐसा। अब हमने तल लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने फ़ैन रख दिया है और इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है फ्रेंड्स। अब जो ऑयल खाना पसंद करते हैं उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए, उसी में हमें ना तलना है। ओके फ्रेंड्स, और एक एक करके मैं इन सभी को डाल दूँगी। तलते वक्त भी इनका बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये मीठे हैं थोड़े से, तो इनको धीरे धीरे ही हमें हिलाना होता है फ्रेंड्स। ज़्यादा ज़ोर से हम हिला नहीं सकते हैं क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट होते हैं, और ये इसके अंदर फैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर ही टूट जाएंगे अगर आप तेज इनको हिलाओगे तो। देखिए एकदम धीरे धीरे मैं इनको हिला रही हूँ, इनको ज़ोर से नहीं हिलाऊँगी, और इसी तरीके से आपको इनको तलना है, और धीरे बार बार में चेक भी करते रहना है क्योंकि इससे क्या होगा कि जो नीचे की तरफ होते हैं वो ज़्यादा डार्क कलर नहीं होएगा उनका, और ऐसे हम हिलाते रहेंगे तो सबका कलर एक जैसा हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए धीरे धीरे ही हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो धीरे धीरे हिला रही हूँ बिल्कुल मैं, ये देखिए एकदम हल्के हाथ से, ताकि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं फ्रेंड्स।
अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुलकुल्स रेडी हो गए हैं तलकर फ्रेंड्स, अब हम इन्हें निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया से कलर भी आया है इनका, जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स। इन सभी को निकाल लेंगे और फिर इसके बाद देखिए हमारे कुलकुल्स रेडी हैं फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर हम शुगर पाउडर स्प्रे कर रही हूँ मैं थोड़ा सा, और इसको हम हाथ से मिला देंगे अच्छी तरीके सभी कुलकुल्स पर फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से अब हमारे कुलकुल्स रेडी हैं फ्रेंड्स। फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव किसी के साथ आप इन्हें शेयर कीजिए, और बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये बनके रेडी हुए हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।